तो ये है जी भैया, ठीक है जी, अब चलते हैं जी। ठीक है जी, पापा जी गेल में हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब, और अंकल जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं अंकल जी। और हाँ, ये देखो दोस्तों, नहीं अंकल जी कोई बात नहीं है। दोस्तों यहीं पे हमारे अंकल जी, आप यहीं पे राइडिंग करते हो ना अंकल जी? देखो भाई, हरिद्वार साइड भी जाते हो अंकल जी, है ना? हरिद्वार साइड, हरिद्वार हो गया, लोकल हो गया यार, वो आपको मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी, 55 किलोमीटर है, हमारे तो लोकल है ना। तो भाइयों आज हम जा रहे हैं देहरादून, और आज हम आपको मिलवाएंगे प्रो राइडर के जो पिताजी है उनसे। और ये देहरादून के भाइयों पहाड़ है, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये देखो भाइयों, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है इधर साइड में। दोस्तों ये हमारी ट्रेन है और हम आपको देहरादून दिखाएंगे, ठीक है जी। और जहाँ पे हमारे प्रो राइडर भैया राइडिंग किया करते थे वो जगह भी दिखाएंगे, ठीक है भाइयों। दोस्तों ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम प्रो राइडर भाई के घर पे, और आज आपको दिखाएंगे प्रो राइडर भाई का घर, ठीक है। ये देहरादून का स्टेशन है। दोस्तों नमस्कार भाइयों, तो भाइयों आज हम हैं देहरादून में, और ये वही रोड है जहाँ पर हमारे भैया प्रो राइडर अगस्त्य चौहान अपनी बाइक चलाया करते थे। ये देखो भाई, ये मार्केट वगैरह है, ठीक है। ये वही रोड है जहाँ पे वो अक्सर गुजरते थे इस रोड से। और भाइयों बहुत ही दुख है हमें भैया के जाने का, और अभी एक ही मंथ हुआ है, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो उनको आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी रोड पे वो अपनी बाइक लेके जाया करते थे अक्सर, ठीक है भाइयों। अब भैया हमारे बीच में नहीं है तो हमें बहुत दुख होता है भाइयों। एक किसान का लड़का था भाइयों, बहुत मेहनत करी उसने अपने दम पे भाइयों, ठीक है। और कड़ी धूप में मेहनत करता था भाइयों, भैया ये नहीं देखते थे कि सर्दी है या गर्मी है, वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। और ये वही रोड है जिस पे हमारे भैया राइडिंग किया करते थे, ठीक है। ये देखो भाइयों, दोस्तों ये देखो भाइयों, ये है वो रोड, ये है भैया, ये देखो भाइयों, ठीक है जी। दोस्तों ये है जी भैया, ठीक है जी, अब चलते हैं जी। ठीक है जी, पापा जी गेल में हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब, और अंकल जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं अंकल जी। और मैं तो सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ भाइयों, अपने लड़कों को सपोर्ट करो अंकल जी। हाँ ये देखो दोस्तों, नहीं अंकल जी कोई बात नहीं है। दोस्तों यहीं पे हमारे अंकल जी, आप यहीं पे राइडिंग करते हो ना अंकल जी? देखो भाई, हरिद्वार साइड भी जाते हो अंकल जी, है ना? हरिद्वार साइड, हरिद्वार हो गया, लोकल हो गया यार, वो आपको मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी, 55 किलोमीटर है, हमारे तो लोकल है ना। तो दोस्तों वीडियो शेयर करते हो भाइयों, और अंकल जी कोर्ट के काम से जा रहे हैं बाहर, नहीं तो अंकल जी टाइम देते, फिर भी बहुत समय दे दिया हमें, ठीक है भाइयों। और आज हमने आपको दिखाया अपने भैया का घर, और मेहनत करो भाइयों और आगे बढ़ो, ठीक है। हम तो यही बात कहना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो तभी सफलता मिलती है, अगर नहीं करोगे तो भाइयों कुछ भी नहीं मिलता। देखो कितनी मेहनत करी, और अब इनके पापा जी मेहनत करते हैं, और देखना भाइयों एक दिन करोड़ के पास जाएगा हमारे भैया का चैनल, 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, और हम तो ईश्वर से अंकल जी। तो देखो भाइयों अंकल जी कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे, और ईश्वर सर पे हाथ है और ऊपर को वही पूछाता है अंकल जी, बस मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, अगस्त्य भैया का जो YouTube चैनल अंकल जी संभाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाइयों बहुत कम ऐसे पिता होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। घंटा घर है, घंटा घर के नाम से प्रसिद्ध है ये देहरादून का, ठीक है जी। क्लॉक टावर बोलते हैं इसे, देखो भाई कितना सुंदर क्लॉक टावर है जी। और यहाँ पे भी है, हमारे भैया राइडिंग करते होंगे ना चारों तरफ, वो जब बाइक लेके निकलते थे ना तो लोग उनकी बाइकों को देखते थे, मतलब मैंने सुना है भैया की बाइक पे ही नजर रहती थी सबकी, ऐसा बताते हैं कि हाँ जी रिएक्शन होता था पब्लिक आने का।
तो दोस्तों अंकल जी ने हमें बताया कि जब कभी भी हमारे प्रो राइडर भैया अपनी बाइक लेके निकलते थे तो पब्लिक देखती थी उनकी बाइक को और पब्लिक का रिएक्शन अलग होता था। आपने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी होगी और आज अंकल जी हमें दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पे राइडिंग किया करते थे। ठीक है भाइयों, ये वही रोड है जहाँ पे हमारे अगस्त्य भैया अक्सर राइडिंग किया करते थे और अब उनके पिताजी उनकी जो चैनल है उसको संभाल रहे हैं। और भाइयों ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे का सपना मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात क्यों ना करनी पड़ जा। भाइयों बहुत ही अच्छे हैं हमारे अगस्त्य भैया के पिताजी। और ये देखो भाइयों, ये है वो रोड जहाँ पे आपने देखा होगा हमारे अगस्त्य भैया राइडिंग किया करते थे अक्सर। और भाइयों आज भी उनके चाहने वाले लाखों में हैं और बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें कि हमारे भैया आज हमारे बीच में नहीं हैं। और हम उनके घर पर भी गए थे तो भाइयों पिताजी ने उनके जो अवार्ड्स है वो दिखाए, वो आपको पार्ट टू में मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा पार्ट टू में। और मैं आज आपको वो एग्जैक्टली लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो अक्सर राइडिंग किया करते थे। ठीक है, ये है भाइयों वो रोड। जब भी रोड पे वो अपनी बाइक ले गली करते थे तो भाइयों पब्लिक का रिएक्शन अलग होता था। ठीक है भाइयों, उनके पास तीन बाइक थी। ठीक है, एक बाइक उन्होंने अपने पिताजी को बर्थडे पे गिफ्ट की थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैं सभी जो मेरे राइडर्स भाई हैं, जितने भी मेरे भाई राइडिंग करते हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा, भैयो आप जो हमारे प्रो राइडर के पिताजी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, तभी उनका हौसला बढ़ेगा, तभी उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों उन्होंने अपना हीरा जैसा बेटा खोया है और आप ही लोग उनके साथ खड़े रह सकते हैं भाइयों और उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तभी उनकी हिम्मत बढ़ेगी और तभी हमारे भैया को इंसाफ मिलेगा भाइयों। और भाइयों मैंने अंकल जी से बातचीत भी की थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो थोड़ा सा टेंशन में है लेकिन धीरे धीरे संभल जाएंगे। ठीक है भाइयों, तो भाइयों आज बहुत ही अच्छा लगा हमें वीडियो शेयर करना। नमस्कार भाइयों।